हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था और नाश्ता या कुछ भी मुझे बनाना था। और ये देखिए मछली कल मैं रात को नहीं खाई थी, वही रखा हुआ है मेरा। और यहाँ पे थोड़ा सा चावल बचा है जिसको मुझे अभी फ्राई करना है, क्योंकि नाश्ता तो नहीं बनेगा, चावल थोड़ा सा बचा हुआ है। मम्मी बहुत दिन से डांट रही है कि चावल कोई भी शाम को नहीं खा रहा है सही से, और फिर सुबह बच जा रहा है करके, और उसी को अभी मुझे फ्राई करना है। तो मछली मैंने दिखा दिया है, उसको मैं क्लास से आने के बाद खाऊंगी, चावल दोपहर के साथ चावल के साथ खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ले आई थी, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी अपना जो है मेडिसिन खा रही हैं। मेडिसिन मतलब कि जो आयुर्वेदिक वाला होता है वही है, ये गैस के लिए खाती हैं मम्मी ज़्यादातर। मेरा जो एक पिछला वाला ब्लॉग है जिसपे कि मैं इसकी मतलब जो पत्ते थे इसको पीस दी थी मैं, तो वही वाला है ये, और इसको मम्मी खाती हैं। इससे ना मतलब गैस ज़्यादा नहीं बनता है, और जिसका भी गैस ज़्यादा बनता है वो अच्छा होता है बोलते हैं, तो इसीलिए पापा ये सब लेके आए हैं। और थोड़ा सा जो नमक, काला नमक जो होता है ना वही, और ये एक अजवाइन है जिसको भूनी थी मैं, भूनी नहीं थी उसको पीसी थी, तो वही वाला भी मम्मी खाती हैं। सुबह खाली पेट में खाना पड़ता है, तो अभी मम्मी का मेडिसिन का टाइम है जो कि मम्मी खा रही हैं। अभी इसी तरह है, जब उनका तबीयत ख़राब होता है तो वो टाइम बस जो बारिश का टाइम होता है ना, हम लोग का खेत का काम सब शुरू हो जाता है, तभी वही प्रॉब्लम सब होता है। जितना भी बोलो मम्मी नहीं सुनती हैं, उसी तरह थोड़ा सा धूप भी होता है उसी पे ही काम करने लग जाती हैं। सुबह जाती हैं और पूरा शाम होता है तभी घर वापस आती हैं, तो उसी की वजह से ही उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उस टाइम पर। तो अभी यहाँ पर हम लोग कद्दू का जो कद्दू तोड़ने आए हैं यहाँ पर, तो अनिशा को भी यहाँ पे लेके आए थे। देखिए मम्मी लेके आई हैं चाकू, और मैं दिखाई थी पिछले वाले ब्लॉग पे यहाँ पे कद्दू था, वहीं हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं। और ये छोटा है तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी तोड़ के बना लेंगे सब्जी बोल के, तो इसीलिए अभी देखिए यहाँ पे सही से दिख भी नहीं रहा होगा, तोड़ने के बाद देखिएगा। और ये रहा कद्दू जो कि मम्मी तोड़ लिए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब मतलब पहली बार हो रहा है जबकि ये काली वाली मतलब ग्रीन वाली कद्दू हम लोग घर पे लगाए हैं, नहीं तो जो हरा वाला होता है ना थोड़ा सा सफ़ेद होता है उसी को ही घर पे ज़्यादातर हम लोग लगाते हैं। पहली बार ये काला वाला जो है मतलब कि ग्रीन वाला ये हम लोग घर पर मतलब अपने बागान में लगाए हैं। तो देखिए अनिशा पकड़ी हुई है इसको, हम बोल रहे थे कि चलो लेके चलो करके उठा पाएगी कि नहीं। अब देखिए उसका बाल बनाने के लिए कितने बार बोल चुके हैं, इसका बाल पूरा उलझ गया है, पूरा काटना पड़ेगा इसका सारा बाल। ए माँ देखे दे तो यारो, ये देखिए कद्दू। तो ये सब्जी दोपहर के लिए अभी सुबह ही बनाए थे दोपहर के लिए, क्योंकि भाभी बनाए थे और सिंपल से ही बनाते हैं इसको। तो इस ये वाला रेसिपी जो है मैं नहीं शेयर कर पाई थी, मैं जो बनाती हूँ वो शेयर करती हूँ, और मेरी मम्मी या दीदी और भाभी जो भी बनाते हैं ना तो वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद बनाती हूँ तभी कुछ ना कुछ जब भी बनाती हूँ तो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ चावल फ्राई करने के लिए, बहुत टाइम हो गया था और मैं वीडियोज़ जो है मुझे अपलोड करना था तो सेविंग कर रही थी वीडियोज़, तो बहुत टाइम लगता है उसके लिए, बहुत मतलब पकड़ के रखना पड़ता है, तो इसीलिए ही थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा सरसों डाल दिया था, और फिर मिर्च सूखी वाली मिर्च जो है वही डाल दी थी। थोड़ी देर उसको अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पे मैं प्याज डाल दी हूँ, और अभी थोड़ा सा लहसुन भी डालूंगी, और टमाटर भी। टमाटर की प्राइस बहुत हो गई है, मम्मी बहुत डांटती हैं कि मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत मैनेज करके जिस तरह चलते हैं सब लोग उसी तरह चला करो, हम लोग इतने भी पैसे नहीं रखे हैं जो कि तुम पूरा मतलब हर एक चीज़ पर टमाटर डाला करते हो ऐसे, फिर मम्मी बोलने लगी थी। और सही भी बात है, हम लोग चावल जो है ना सरसों और मिर्च से भी भून के खा सकते हैं, लेकिन बहुत दिन हो गया है टमाटर के साथ नहीं भुने थी, तो मैं सोची कि जरूर भून लेती हूँ करके। इतना भी नहीं डांटती हैं लेकिन बोलती हैं जिस टाइम पे जो होता है उसी हिसाब से चलना चाहिए, हम लोग अभी कहाँ से पैसों की दिक्कत हो रहा है। और अभी टमाटर की किलो जो है वो 120 रुपए हो गया है, और घर पे 3-4 सब्जी बनती हैं तो उस पर दो दो टमाटर एक दिन में 5-6 टमाटर तो ख़त्म हो ही जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी ऐसे बोलती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया था,
उसके बाद थोड़ा बहुत मसाला जो है वो डाल दी थी और नमक डाल दी थी और अच्छे से ये भुन चुका था, ऑयल भी छोड़ने लगा था, तो मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया है। नमक मैं डाल दी थी टमाटर के साथ, तो उसकी वजह से मैं ऊपर फिर चावल पे नमक नहीं डालूँगी और अच्छे से इसको मिला ली हूँ। अब ये बन के रेडी हो गया है, जिसको मन वो खाएगा, जिसको मन नहीं वो दोपहर को खाना खाएगा। खाना जो है मैंने चावल फ्राई कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाल में ऑयल लगाने। ये रहा ऑयल, मम्मी को बोलूँगी थोड़ा सा लगा देने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैं बाल धुली हूँ लेकिन ऑयल नहीं लगाई हूँ। तो चलिए मम्मी क्या बोलती हैं देखते हैं, उनका भी तो काम है। तेल के लोग दे, तेल के लोग दे। तो यहाँ पे मम्मी को ऑयल लगाने के लिए बोले थे तो मम्मी बाबू को पकड़ रही थी, मम्मी बोली ठीक है लगा दूंगी, लेकिन बाद में दीदी लगा दी थी मेरे बाल में ऑयल। फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट आई हूँ और खाना खाई हूँ, क्लास से आई हूँ और खाना खाई हूँ अभी जस्ट। और मम्मी सब्जी चढ़ाई हैं गैस पे, आलू और कुंदरू की, तो उसी को देखने के लिए मम्मी बोली हैं, क्योंकि वो गई हैं कपड़ा धुलने के लिए, उधर बाहर बैठी हुई हैं, तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइट भी नहीं है किचन पे, लाइट नहीं है, लेकिन देखते हैं लाइट आएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी। और आज पता नहीं सब लोग सो गए हैं, कोई भी उठा नहीं है, बस मम्मी जगी हुई हैं और दीदी अभी अनिशा को यहाँ पे सोए हुए थे मेरे बेड पे यहाँ पे, और अभी जाके उधर सोए हैं हॉल पे, सब लोग सो गए। नहीं तो जिस दिन भी मैं क्लास से आती हूँ ना, सब लोग जगे हुए होते हैं, लेकिन आज सो गए हैं पूरा, कोई भी नहीं जगा है, बस मम्मी जगे हैं और खाना बना रही हैं अभी मम्मी। आज मंडे है और आज सोमवार बाज़ार लगता है, हम लोग यहाँ बाज़ार जाते हैं सोमवार को, फ्राइडे को भी लगता है, सोमवार को, फ्राइडे को अलग जगह लगता है, सोमवार को अलग जगह लगता है। तो पापा गए थे आज मंडे है ना, तो मार्केट गए थे, तो देखिए क्या क्या लेके आए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको खोड़ा साग बोलते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा होता है, चाहे दाल पे भी बना सकते हैं, ये खोड़ा साग बोलते हैं इसको, खोड़ा बोलते हैं। और ये आलू भी लेके आए हैं, इतना सारा आलू लेके आए हैं, और ये लेके आए हैं, और ये प्याज लेके आए हैं, प्याज भी ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा बस बचा हुआ था ये, और ये खोड़ा और आलू, और पता नहीं कुछ लेके आए होंगे पे, फ्रिज पे रख दिए होंगे जो भी लेके आए होंगे। तो साग के लिए इतना ही, मैंने कभी भी वो खोड़ा जो बोलते हैं ना, उसको मैं कभी खाई नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे कुंदरू की सब्ज़ी जो है वो बन चुकी थी, तो यहाँ पे बस मुझे मसाला वगैरह जो भी डालना है वो मैं डाल दूँगी। और मम्मी कुंदरू जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा वाला पीसेस में कट की थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं छोटा छोटा पतला पतला करके कट करती हूँ, तो वो ना अच्छे से भून जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके कट की थी, जैसे एक कुंदरू का 4 पीस की थी उसी तरह, तो मुझे वो सही नहीं लगता है। मैं मम्मी को बोलती हूँ तो मम्मी बोलती हैं कि मैं पूरा दिन भर बैठ के कुंदरू काटने में अपना दिन नहीं लगाऊंगी, इसी तरह काटती हूँ मैं, ऐसे बोलती हैं मम्मी। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी काट तो लें, नहीं तो अभी मैं आके खाना बनाना पड़ता। और ना ये पहली बात तो ये कि अभी यहाँ पे कुंदरू की जो सब्ज़ी है वो मम्मी तो चली गई हैं, मैं बना दे रही हूँ। साइड में यहाँ पे मैं बैंगन जो है भरता बनाना है, भरता मैं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे जीजू आए हैं, आप सभी को बोली भी हूँ कि मेरे जीजू आए हैं बोल के, तो यहाँ पे उनके लिए ही बैंगन जो है वो अच्छे से गैस पे जला के उसका थोड़ा बहुत भरता बनाना है, प्याज और नमक और मिर्च के साथ ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, लहसुन नहीं खाते हैं मेरे जीजू, तो इसी वजह से। और यहाँ पे ये कुंदरू की सब्ज़ी जो है वो मैं टमाटर डाल के उसी तरह रख दी थी, मसाला वगैरह डाल दी थी, फिर उसके बाद मसाला अच्छे से पकने के बाद टमाटर डाल दी थी, ये अब रेडी हो गया है। और थोड़ा सा अजीब सा बना है, अजीब सा नहीं, ये खाने की बहुत, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पीसेस था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाने में अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से बन के ये रेडी हो गया है। और उसके बाद ये रहा आलू, सॉरी ये रहा बैंगन की चोखा, जो कि मैंने बना के ढक दूंगी। और मुझे अभी बहुत नींद आ रहा था, बहुत दोपहर का टाइम हो रहा था, चाहत भी आज नहीं आएगी, 4 बजे ट्यूशन आएगी बोली थी, तो मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर रेस्ट करने। कहाँ था छगुर?
छगुर बोल रही है, खजूर खा रही है। तो मोर गाड़ मिल सके घिन सके नहीं घिनन ऊपर पड़ सी गच ऊपर ना तुम छात ऊपर पड़ सी जी तुम बैठ सो। मालपुआ मालपुआ है ये देखिए छोटा छोटा वाला है, ज़्यादा इस पर चीनी का रस जो चाशनी बोलते हैं वो ज़्यादा इस पर नहीं है। काट माँ खाएबू है नहीं खो नहीं खाएगी बोल रही, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ खाऊंगी बोल रही थी और अभी नहीं बोल रही है। इस पर चाशनी कम है। और ये जीजू लेके आए हैं, ये भी लेके आए हैं, खजूर भी लेके आए हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।